हेलो व्यूअर्स, ये है वीओफ्लिक्स और आप देख रहे हैं अब तक करण जोटवानी ने किन किन टीवी सीरियल में काम किया है। करण ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत 2013 से की थी। 2013 में काम किया सोनी टीवी के शो बड़े अच्छे लगते हैं में, जिसमें उन्होंने मनदीप का किरदार निभाया था। फिर 2013 में ही काम किया कन्फेशंस ऑफ एन इंडियन टीनेजर में, जिसमें उन्होंने आदित्य कपूर का किरदार निभाया था। फिर 2013 में ही काम किया गुमराह एंड ऑफ इनोसेंस में, जिसमें उन्होंने रोहित सेगल का किरदार निभाया था। फिर 2013 में ही काम किया चैनल वी के शो हीरोज द फाइटबैक फाइल्स में, जिसमें उन्होंने अयान शर्मा का किरदार निभाया था। फिर 2014 में काम किया लाइफ ओके के शो लौटाओ त्रिशा में, जिसमें उन्होंने विवान स्वाइका का किरदार निभाया था। फिर 2014 और 2016 में काम किया बिंदास टीवी के शो ये है आशिकी में, जिसमें उन्होंने आशीष और 2016 में अभिराम का किरदार निभाया था। फिर 2014 से 2015 तक काम किया एमटीवी के शो कैसे ये यारियां में, जिसमें उन्होंने आर्यमन खुराना का किरदार निभाया था। फिर 2016 से 2017 तक काम किया स्टार प्लस के शो सुहानी सी एक लड़की में, जिसमें उन्होंने स्वयं सेल्वी का किरदार निभाया था। फिर 2018 से 2019 तक काम किया जी टीवी के शो आपके आ जाने से में, जिसमें उन्होंने साहिल का किरदार निभाया था। फिर 2018 में काम किया जी टीवी के ही शो जिस बात में, जिसमें वो हिमसेल्फ के तौर पर नजर आए थे। फिर 2018 में ही जी टीवी के शो कुमकुम भाग्य में वो डांसर के तौर पर नजर आए थे। फिर 2020 में काम किया जी टीवी के शो कुर्बान हुआ में, जिसमें उन्होंने नीलकंठ भट्ट का किरदार निभाया था। तो ये थे अब तक के करण जोटवानी के हिंदी टीवी सीरियल्स। इनमें से कौन सा आया आपको सबसे ज़्यादा पसंद, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और भी ऐसे ही नए वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ।